पाइप फटने की समस्या से छुटकारा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर किसानों की तकलीफ है ये कि भाई जिनको मतलब किसानों को पाइपलाइन करनी पड़ती है और वो पाइपलाइन टाइम टू टाइम डैमेज होती रहती है, फूटते रहती है। तो ये टॉपिक पे बहुत कम वीडियो या बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है। किसानों को जब कभी दिक्कत आती है तो मैं देखता हूँ कि पूरे मार्केट में एक एक दुकान घूमते रहते हो कि भैया मेरी पाइपलाइन फूट रही है, कौन मदद करेगा, क्यों फूट रही है, कैसे मदद करेगा। और जो दुकानदार लोग रहते हैं वो भी उनको राय देते हैं, लेकिन वो एक सीमित दायरे तक ही दे पाते हैं क्योंकि इसके बारे में सही में कहीं पे कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही जो बड़ी समस्या है इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये समस्या क्यों आती है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आपके पाइपलाइन का आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर पाइपलाइन सही से बनी है या जैसे मैं आज उसके ऊपर जो भी उपाय बताने वाला हूँ ये सही से की है, तो पाइपलाइन अगर ज़मीन के अंदर से है तो 100 साल तक उसकी लाइफ रहती है, 10, 15, 20 साल नहीं, 100 साल। कई किसान मिलेंगे कि जिन्होंने 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, अभी भी वो पुराने पाइपलाइन इस्तेमाल कर रहे, लेकिन उसके लिए सब चीज़ें जुड़ के आनी पड़ती है। तो आज की वीडियो चालू करने के पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो हम अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये टॉपिक के अलावा भी हम कुछ टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। जैसे भाई मिट्टी परीक्षण का हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, यो हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन है उसके बारे में हमारी पूरी वीडियो का चालू है काम, तो वो वीडियो भी जल्दी आएंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग ये वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि भैया आपको ये पसंद आ रहा है और मैं इसी तरीके से कंटेंट बनाते रहूँगा। तो मैं एक अपेक्षा उतनी आपसे करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप चैनल पे पहली दफ़ा होंगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को बाकी किसानों तक शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो चालू करते हैं कि पाइपलाइन फटने की समस्या से छुटकारा। तो देखिए पाइपलाइन जब करते हैं किसान भाई तो सबसे बड़ा जो ये रहता है कि आपके मोटर का डिस्चार्ज कितना है, उसके बाद आपकी जो पाइपलाइन है उसका डायमीटर तय होता है और कई प्रकार के पाइप आते हैं, लेकिन जो पीवीसी पाइप आते हैं या जो एचडीपी पाइप आते हैं ये दो पाइप अभी के टाइम पे किसान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पाइपलाइन के बारे में। और बाकी जिसका जैसा यूज है, जैसे कि कोई फवारे का सिस्टम करवाना चाह रहा है तो वो क्लैंप वाला पाइप इस्तेमाल कर लेता है, अभी ड्रिप इरिगेशन के लिए फ्लेक्सिबल पाइप आया है तो वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे हम जो खेतों में मेन पाइपलाइन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पाइपलाइन क्यों फटती है कि भाई आपका अगर प्लानिंग गलत हो गया तो, प्लानिंग गलत आपका डिस्चार्ज के वजह से हो सकता है, प्लानिंग आपका गलत ड्राइंग के वजह से हो सकता है। मान लो कहीं किसान का ऐसा स्लोप था, मतलब ये पॉइंट से दूसरा पॉइंट ऊपर था 10 फीट और ये धीरे 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 बढ़ते गया है, ये लंबाई है मान लो 500 फीट, तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अगर 85 फीट हो गया तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि 50 फीट में 10 फीट का ढलान आ गई तो फिर नीचे प्रेशर बढ़ता रहेगा। या कई बार क्या होता है कि किसान भाई टप्पे गिरा देते हैं कि पाइपलाइन आया, एल्बो लगाया और ऊपर लेके गए, तो ये गलत है, ये सही है। तो आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप मुझे टॉप मतलब कमेंट में वैसा रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आप पाइपलाइन के डिज़ाइन के ऊपर एक वीडियो बनाओ तो मैं आपके लिए लाऊंगा, लेकिन आज के टॉपिक में मैं आपको जितना ज़रूरी उतना ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ऐसा कहीं गलती हो गई प्लानिंग में, कई बार क्या होता है कि दो प्रकार का पाइप आता है एक साथ मिलता है फिर किसान उसको आगे लेके जाता है तो यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है कि एक जगह ज़्यादा बार डैमेज होने से, अभी डैमेज कहीं मतलब अलग अलग प्रकार से हो सकती है, तो एक ही एरिया में ज़्यादा बार डैमेज होने से आपकी पाइपलाइन वहाँ पे कमज़ोर हो गई है और वो बार बार फूट रही है। तो ऐसे कई सारे प्रकार है, एक एयर वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, इसका भी एक बड़ा रोल रहता है पाइपलाइन में, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है आप वो देख लीजिए। तो चलो भाई कारण कुछ भी है लेकिन आपकी पाइपलाइन फट रही है या फट सकती है। कई बार क्या होता है अभी जो ऑटोमाइजेशन आया है तो
हर एक किसान ने ऑटो स्विच लगाया है, तो भाई कभी लाइन चली गई वापिस आ गई, और सभी कॉक अगर आपने बंद करके रखे तो फिर आपका प्रेशर कहाँ निकलेगा। तो जब आपकी पाइपलाइन फटेगी तब आपको समझ में आएगा कि कहीं पे कुछ दिक्कत हुई थी। और अगर आपके आजू बाजू में आपके आपके ऊपर प्रेम करने वाले लोग हैं, फिर तो पूछना ही नहीं, फिर आपकी पाइपलाइन हमेशा फटती रहती है। वो अभी किस प्रकार का प्रेम है वो आप ही समझ लीजिए। बहुत सारे किसानों को ये दिक्कत आती है कि भाई वो दूसरे का दिक्कत हो इसके लिए रात को या कोई नहीं है खेत में तो कॉक बंद करके भाग जाते हैं, और फिर प्रेशर बढ़ता है, फिर पाइपलाइन फट जाती है। तो ये सारे समस्या से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो उत्तर है PRV। देखो मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक कंपनी चलाता हूँ, कई प्रकार की मशीन में इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहूँगा कि मैंने आज तक सिर्फ एग्रीकल्चर में पानी की जो मोटर है, फिर वो इलेक्ट्रिक रहे, जनरेटर रहे, सोलर पे रहे, डीजल पे रहे, लेकिन ये एक किस्म की ऐसी मोटर मैंने आज तक देखी कि उसको कुछ भी सेफ्टी नहीं है। अरे आप जब इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कर रहे हैं मोटर के लिए तो वहाँ पर भी रिले लगवाया है, और रिले क्या है, तो आपके मोटर की सेफ्टी है कि भाई ज़्यादा वोल्टेज वगैरह आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, आप किटकैट लगाते हो, MCB लगवाते हो, तो ये सब सेफ्टी है। और यहाँ पे आप कुछ भी सेफ्टी नहीं कर रहे आपके मोटर को कि भाई प्रेशर अगर बढ़ता रहेगा तो जब पाइपलाइन फटेगी तभी आपको पता चलेगा, तो ये गलत है। आपने ये एक प्रकार का सेफ्टी वॉल है, ये आपके मोटर के पास एक तो कम से कम लगवाना चाहिए कि भाई क्या होता है जब कभी पाइपलाइन में प्रेशर बढ़ता है ना, तो वो बढ़ते बढ़ते जब तक आपके मोटर के पास नहीं आ जाता है ना, तब तक उसके हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं जाता है। अभी बहुत लंबी पाइपलाइन होंगी तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर बार ऐसा ही होता है कि आपके मोटर के पास आपकी पाइपलाइन ज़्यादा प्रेशर पकड़ती है, तो वहाँ पे एक लगवाना जरूरी है। ये क्या है प्रेशर रिलीज वाल्व? तो देखो आपके एक रसोई घर में प्रेशर कुकर है, और प्रेशर कुकर को एक सीटी लगाई है, अगर वो प्रेशर सिटी वहाँ पे नहीं रहती तो आपका प्रेशर कुकर एक बॉम्ब की तरह फूटता है। वो प्रेशर सिटी क्या करती है कि आपके प्रेशर कुकर में जब कभी प्रेशर ज़्यादा बनता है तो उसको रिलीज करती है। तो इसमें भी वैसा ही फंक्शन है कि देखो ये ऊपर का जो ऑरेंज कवर है ना, ये मैंने निकाल के दिखाया इधर, तो ये देखो, तो ये देखो एक इसके ऊपर ये ऑरेंज कवर था ऐसा जो मैंने निकाल के दिखाया है आपको, और इसके अंदर क्या है तो एक स्प्रिंग है, और आपके पाइपलाइन पे इसको इस तरीके से लगवाना रहता है। लगवाने के लिए आप चाहे टी का इस्तेमाल करो, चाहे सर्विस सेटर का इस्तेमाल करो, या कुछ भी जुगाड़ करो, लेकिन आपका जो पाइपलाइन है उसके ऊपर यहाँ पर ये लगता है ऐसा, आया समझ में? तो इसमें क्या रहता है कि ऐसा एक स्प्रिंग रहता है, जब कभी आपके पाइपलाइन का प्रेशर एक सर्टन जो सेट किया है उसके ऊपर चला जाएगा तो यह स्प्रिंग ऊपर जाएगा और यहां से आपका पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा। ये पानी यहां से ऐसा चारों बाजू में घूमता है, इसके लिए ये कवर दिया है कि भाई वो एक ही जगह से निकले तो आपको काम करने में आसानी हो। अभी इतना सिंपल प्रिंसिपल है कि मान लो इसको 4 KG पे हमने सेट किया रहता है, क्योंकि भारत में जो भी पाइपलाइन इस्तेमाल होती हो ज़्यादा से ज़्यादा 4 KG है, तो ये 4 KG से थोड़ा कम रहता है। अगर मान लो 3.8-3.9 प्रेशर आ गया तो स्प्रिंग ऊपर चला जाएगा, पानी बाईपास हो जाएगा, आपकी पाइपलाइन नहीं फटेगी। पानी बाईपास हो रहा है मतलब आपको समझ में आ जाता है कि कहीं पर कुछ दिक्कत है, और आपको तुरंत मोटर बंद करके या कॉक चेक करके जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व करना है, तो आपकी पाइपलाइन फटने के पहले आपको संकेत भी मिल जाता है या टाइम मिल जाता है। और एक चीज आपको बताऊं क्या, एक बार अगर ये किसान भाई ने लगवा दिया ना, देखो इसमें ना इलेक्ट्रिक है ना कुछ है, कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, ना के बराबर मेंटेनेंस है, कुछ करना ही नहीं इसको, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि यहां से कुछ कीड़ वगैरह अंदर ना जाए, जो स्पाइडर बोलते हैं उसको, कोली बोलते हैं हमारे मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में बताओ, तो वो अंदर जाके घर ना बनाए। कई प्रकार की मधुमक्खियाँ रहती कि जो अंदर जाके घर बनाती है मिट्टी का, तो वो अंदर ना जाए। बाकी इसको ना ऑयलिंग करना है ना ग्रीसिंग करना है, एक बार लगवाया तो 20-25-30 साल आपको टेंशन नहीं है, और सिंपल वर्किंग है। तो
इसको एक चीज और रहती है कि यहाँ पे प्रेशर मीटर लगवाने का प्रोविजन दिया रहता है कि मान लो कि कोई किसान भाई ने अभी 4 KG की पाइपलाइन की थी, तो 4 KG तो हमने फैक्ट्री सेट करके दिया है, लेकिन अगर उसने 6 KG की पाइपलाइन की है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे प्रेशर मीटर लगवाइए, ऐसा प्रेशर मीटर आता है, ऐसा प्रेशर मीटर लगवाइए आप यहाँ पे, और यहाँ पे 2 नट दिए, ये एक नट है और ये एक नट है, इसको आप जितना घुमाएंगे ना उतना ये स्प्रिंग सिक्योर्ड मतलब टाइट होगा, तो उसको खोलने के लिए ताकत लगेगी, और जितना ढीला करेंगे ना उतना वो फ्लेक्सिबल होगा, तो उसको खोलने के लिए कम ताकत लगेगी। तो इस तरीके से इसका प्रेशर रेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं राय दूंगा किसान भाइयों को कि एक तो इसको हाथ मत लगाओ, क्योंकि ये बाद में सेट करने में आपको परेशानी होती है, ऐसा नहीं है कर सकते हैं लेकिन, और जब कभी करेंगे ना तो किसान भाइयों को अंदाज ही नहीं रहता है, वो 4 चूड़ी घुमा लेंगे फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बिल्कुल मामूली मामूली मतलब एक राउंड के भी 4 हिस्से गिराना है कि भाई एक 25% घुमाया, फिर चेक किया, फिर दूसरा 25% घुमाया, इस तरीके से इसको सेटिंग को हाथ लगाना है। तो ये प्रेशर रिलीज और रहता है आपके पाइपलाइन पे लगवाना रहता है, मोटर के पास एक लगवाना है, जहाँ पे आपकी पाइपलाइन कमजोर है, बार बार फूट रही है, तो उसके 2-4-5 फीट पहले लगवा दीजिए, फिर आपका प्रेशर बढ़ेगा नहीं, आपको दिक्कत आएगी नहीं। अगर मान लीजिए आपकी पाइपलाइन ऐसी ऊपर गई है तो यहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ते रहता है, पानी ऊपर जाने की उसकी नेचुरल टेंडेंसी नहीं रहती, तो यहाँ पे लगवा दीजिए आप। और अगर लंबाई में लगवाना है तो हर 1000 फीट पे एक लगवाना चाहिए, अगर लंबाई में लगवाना है तो। लेकिन अगर मान लो आपका 2-4-5 किलोमीटर की लाइन है और आपने 2 भी लगवाए तो भी सफिशियंट रहता है कि भाई, क्योंकि पाइपलाइन भी एक अपना ड्राइंग, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक का ड्राइंग प्रॉब्लम रहे, 100 में से 1 किसानों को ज़्यादा दिक्कत आती है तो उनको 1 ज़्यादा लगवाना पड़ेगा, बाकी मोटर के पास 1 और 2-4 हज़ार फीट पे एक इस तरीके से लगवाया तो भी काम करता है। कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए वापिस बता दूंगा, कहीं यूट्यूबर भाइयों ने क्या बोला है कि ये एयर वाल्व है, नहीं, इसमें से एयर नहीं निकल सकती, ये प्रेशर रिलीज वाल्व है, इसमें से पानी ही निकलेगा, एयर नहीं निकलेगी, एयर के लिए आपको अलग से वाल्व लगवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना देखो, ये खोल के भी दिखाया मैंने कवर कैसे निकालना, इसको दोनों दिशा में कैसे आप घुमा सकते हो, और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा कि इसको हमने प्रैक्टिकली, मतलब ये वीडियो जो दिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है, उसको हमने आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे उसका शॉर्ट वीडियो बनाया है, मैं आपको भी वो दिखाना चाहूँगा, आप वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो, मैं आप ये वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, उधर एक मोटर है और इधर मेन पाइपलाइन को हमने एंड कैप लगवाई है और एक बाईपास दिखाया है, तो जैसे जैसे एंड कैप होने से आगे पानी तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे देखो टी के सहाय से इसको पैक किया था हमने, स्पैनर से दिखा रहा है अभी आदमी आपको, और वहाँ पे प्रेशर मीटर भी लगवाया देखो एक, और जैसे जैसे हमने बाईपास बंद किया वैसे वैसे पाइपलाइन में प्रेशर बढ़ते रहा, और फिर ये एक टाइम पे खुला, तो अभी आप देखेंगे पूरा वीडियो में, अभी ये प्रेशर मीटर वहाँ पे वो लगवा रहे, ये देखो मैं बाईपास बंद कर रहा हूँ और यहाँ से ये एक प्रेशर के ऊपर चला गया तो पानी बाहर आया, ये देखो हमने खोल के भी आपको दिखाया कि कैसे पानी उड़ता है। तो बहुत सिंपल इसका फंक्शन है, आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से इसको कहीं पे भी फिट कर पाएंगे, एक बार लगवा दिया तो आपको आगे इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा ही और कुछ टॉपिक है आपके मन में तो आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बोलिए, अगर आपके मन में इसके बारे में कोई भी सवाल है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते, आप उनको कॉल कर पाएंगे, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।